दिवाकर जिले के किंग जॉर्ज स्कूल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर काफी बवाल हो रहा है। आरोप है कि शिक्षक छात्रों को राम मंदिर बनाने पर व्यर्थ रुपए खर्च होने की बात कहकर चर्च बनवाने और धर्म परिवर्तन करने जैसी शिक्षा दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले होली ट्रिनिटी स्कूल में तिलक लगाने को लेकर हंगामा हो गया था। इधर अब शनिवार को मिश्रीलाल नगर स्थित किंग जॉर्ज स्कूल में कक्षा 9वीं में सोशल साइंस की शिक्षक सुधांशु गहलोत ने छात्रों को शुक्रवार को कक्षा में पढ़ाते समय कहा कि नेताओं ने राम मंदिर में भ्रष्टाचार किया है, मंदिर में मत जाओ, चर्च में जाओ। इसके विरोध में जब छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो टीचर रेखा सोनी ने थप्पड़ जड़ दिया। छात्रों ने संस्था राम राम के कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना दी, राम मंदिर के विषय में कुछ कहा था जो गलत, तो संस्था कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले को लेकर कोई अपराध पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी आवेदन आया है जिसको लेकर जाँच की जा रही है। यहाँ पर क्लास 9वीं की कक्षा में कुछ बच्चों से कुछ अनर्गल बातचीत किसी टीचर के द्वारा किसी धार्मिक विषय को लेकर के की गई थी, जिसमें अभी जांच की जा रही है, बच्चों से पूछताछ की गई है, जिसमें उनके द्वारा जो बातें बताई गई उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें जांच की जाएगी, यदि कोई मामला ऐसा पाया जाता है, अपराध के दायरे में आता है, तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कुछ संगठन के लोग मांग कर रहे थे आपसे कि उनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज करने की मांग करी, कैसे प्रकरण? अभी इसमें हम लोग और जानकारी ले रहे हैं, अभी हम लोग जैसे यहाँ पर सूचना मिलने पर आए हैं, जानकारी में जो भी बातें पुष्ट होंगी उसके हिसाब से कर। कहा जा रहा है कि इस स्कूल से पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। देवास से मृदुभाषी के लिए विजेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।